हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। टुडे इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट जीएस पेपर टू स्ट्रेटजी। राइट, हियर इज लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज जीएस पेपर टू। फ्रेंड्स, जीएस पेपर टू में आपको टोटल 5 सेक्शंस प्रिपेयर करने होते हैं। नंबर 1 इज Constitution and Polity, number 2 is Governance, then Social Justice, number 4 is International Relations, and last one is Previous Year Questions. Friends, Previous Year Question बाकी के section जितना ही important है। आपको at least 4 से 5 साल के papers देखने होंगे अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या डायमेंशन आपको कवर करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम ईयर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम 2015 से 2019 की बात करें तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 100+ मार्क्स के क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए हैं। सोशल जस्टिस में 50+ मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नेंस में अराउंड 20-30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आईआर में कांस्टेंट है, हर साल 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 1 by 1 हम चारों सेक्शन को देखेंगे, क्या सिलेबस है, क्या सोर्सेज हमको फॉलो करने चाहिए, और सबसे एंड में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब फर्स्ट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है। इस सेक्शन में आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन, आरपीए 1950 एंड 51, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड वेरियस स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडीज पे सवाल पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, सीएजी। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना होता है। अब आता है सोर्स कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी बुक्स। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है एम लक्ष्मीकांत। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि प्रीलिम्स के बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गलत कहते हैं। आपको पढ़नी होगी, उसका मल्टीपल रिवीजन करना होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेकंड क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमिटीज़, थर्ड क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी मेंस में, और ये सब आपको लक्ष्मीकांत में ही मिलेंगे। करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर, आप हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। किसी अच्छे कोचिंग की मंथली मैगजीन फॉलो कीजिए, मैं पर्सनली विजन की रिकमेंड करता हूं। एंड अगर आपके पास समय है तो आप राज्यसभा डिबेट्स, पीआईबी एंड पीआरएस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और मार्केट में भी मिल जाएगा। जैसे कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को आपको कंपेयर करना है तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा सेकंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसकी 6th रिपोर्ट जो कि लोकल गवर्नेंस के ऊपर है, इससे आप पीआरआई और जो यूएलबी हैं इनको अच्छे से कवर कर लोगे। और एआरसी में आपको पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, केवल उसकी रिकमेंडेशन ही आपको पढ़नी है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सेकेंड जो सेक्शन आता है वो आता है गवर्नेंस। अब इसका सिलेबस क्या है, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज पे सवाल पूछे जाते हैं, एनजीओ, एसएचजी इन पे सवाल पूछे जाते हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी इस पे सवाल पूछा जाता है, एंड जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं गवर्नेंस के, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इन सब पे सवाल पूछे जाते हैं। अब इनको कहाँ से हम प्रिपेयर करें, सबसे पहला और शानदार जो सोर्स है वो है विजन आईएएस वैल्यू एडेड मटेरियल। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर, विजन मंथली मैगजीन,
राज्यसभा डिबेट्स, पीआईबी एंड पीआरएस से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड एआरसी की फर्स्ट, फोर्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ रिपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे, जो फोर्थ रिपोर्ट है वो है गवर्नेंस के ऊपर, जो नाइन्थ रिपोर्ट है वो है सोशल कैपिटल के ऊपर, जो टेंथ रिपोर्ट है वो है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो इलेवेंथ रिपोर्ट है ई गवर्नेंस के ऊपर, और जो लास्ट रिपोर्ट है ट्वेल्थ वो है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एंड ये सभी आपके सिलेबस का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल रिकमेंडेशन ही आपको पढ़नी है। इसके अलावा नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है न्यू इंडिया एट 75, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके जो चैप्टर 35 टू 41 है इसमें गवर्नेंस के डिफरेंट आस्पेक्ट काफ़ी अच्छे से कवर किए गए हैं और हमारा सिलेबस वहाँ से कवर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप ये सोर्सेज आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला सेक्शन है सोशल जस्टिस, इसका सिलेबस क्या है, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस जैसे कि एससी, एसटी, वुमेन, उनसे जुड़ी कौन सी बॉडीज़ हैं जैसे कि नेशनल कमीशन हो गए, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन से जुड़े क्या इश्यूज़ हैं उस पर सवाल पूछे जाते हैं, पॉवर्टी हंगर इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके लिए क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, सबसे पहला वैल्यू एडेड मटेरियल। इसके अलावा फ्रेंड्स आप किसी रेप्यूटेड कोचिंग की गवर्नमेंट स्कीम का कंपाइलेशन उसको फॉलो आपको करना होगा, शंकर आईएएस का काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन आता है। करंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर, विजन मंथली मैगजीन फॉलो करनी होगी, और अगर आपके पास समय है तो राज्यसभा डिबेट्स, पीआईबी एंड पीआरएस को आप फॉलो कर सकते हैं। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इसकी समरी आपको पढ़नी होगी और ये ऑलरेडी आप GS3 में कवर करेंगे, इसे आपको लिंक करना आना चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग का 3 ईयर्स एक्शन एजेंडा है, वो सोशल जस्टिस वाले सेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी भी केवल समरी ही हमको फॉलो करनी है। अब लास्ट सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें देखिए क्या क्या पूछा जाता है, इंडिया और उसके रिलेशंस विद नेबरहुड जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। जो डिफरेंट ग्रुपिंग्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जैसे कि ब्रिक्स, आशियान, SCO, इन पर सवाल पूछे जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन पर सवाल पूछे जाते हैं। अब कहाँ से इसको कवर करें, सबसे पहला आपको करंट अफेयर मटेरियल फॉलो करना होगा और यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट और इकलौता रिसोर्स है। इस सेक्शन के लिए आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNSC, ECOSOC, UNGA, या फिर कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं जैसे कि WHO हो गया, UNESCO हो गया, इनको आप गूगल पे सर्च मारिए और अपने नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो नहीं करना है जहां तक IR की बात है। आई होप दोस्तों दिस इज़ क्लियर। अब दोस्तों ये केवल आधी अधूरी बात है, मुख्य सवाल आता है, जो मेन सवाल आता है वो ये कि किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से अपने कंटेंट को एनरिच किया जाए। अब हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो टॉपर्स की आंसर शीट्स हैं वो आप देखिए, मार्केट में मिल जाएंगी एंड ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन किसी टॉपर ने अटेम्प्ट किया है उसको आप भी अटेम्प्ट करो और फिर कंपेयर करो कि टॉपर का थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसने सोचा है, किस तरह से उसने फैक्ट्स का यूज़ किया है और किस तरह से उसने इंटरलिंकिंग की है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से आंसर लिखने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। GS 1, 2 एंड 3 इनको आपको अलग अलग नहीं देखना है, इन तीनों का आपस में लिंकेज है। जैसे कि सोसाइटी वाला टॉपिक हो गया, उसका संबंध है GS 2 के साथ, जहाँ तक वेलफेयर मेजर्स की बात है GS 2 एंड 3 में ये कॉमन है, ठीक है, तो आपको अलग अलग लेके नहीं चलना है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, हर टॉपिक के लिए आप एक A4 पेपर बना लीजिए। अगर आप लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो एवर नोट में भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि
हर टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे लिखनी होगी। जो करंट इवेंट है, जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, वो सारी आपको एक टॉपिक की एक ही जगह पे लिखनी है। इससे होगा क्या कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको एक ही जगह पे पूरे टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप अच्छे से उसको रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक A4 पेपर पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं वो मेंशन करने होंगे और उनको बार बार रिवाइज करना होगा। यही काम आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के लिए भी करना है, ठीक है। जैसे कि केशवानंद भारती हो गया, मेनका गांधी हो गया, पुत्ता स्वामी हो गया, तो जो भी रिसेंट जजमेंट है या जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो एक ही जगह पे होने चाहिए। और ये सभी चीज़ें हमको हमारे आंसर्स में यूज करनी है, इसी से हमारा कंटेंट एनरिच होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं या जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं उन पे आपको खास फोकस देना होगा, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में कमिटी और उनकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे गोस्वामी रिपोर्ट आपको लिखनी ही होगी, जो दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशन आपको मेंशन करनी ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, NCRWC नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड ARC, इनके शॉर्ट नोट्स आपको बना लेने चाहिए। इनसे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे कि भाई रिकमेंडेशंस क्या हैं, और इससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंडेक्स और उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है ये भी पता होनी चाहिए, और ये सब आप एक A4 साइज पे बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इंडिया की रैंकिंग आती है 131। सिमिलरली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 94, ये 2020 का डाटा है। तो दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह रखनी होगी, और जब पॉवर्टी या वेलफेयर मेजर्स या डेवलपमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डालनी होगी। एग्जाम्पल्स हमको काफ़ी देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर NGO पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कुछ NGO मेंशन करनी होगी, जैसे कि PUCL हो गया, गूंज हो गया, इस तरह की आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। SHG की जहाँ तक बात है तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट SHG हैं, जैसे कि कुडुम्बश्री केरला, ठीक है। जहाँ तक ई गवर्नेंस की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दर्पण, प्रगति, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में सोच रहे हों तो फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा और आपके कोई सवाल छूट जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, केस स्टडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये आपको कहाँ से मिलेंगी? बेटर इंडिया वेबसाइट से। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस के ऊपर, और अगर वहाँ पे आप इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे पाए कि भाई महाराष्ट्र में एक एरिया है नंदुरबार, वहां के DC हैं डॉक्टर राजेंद्र भरूद, तो उन्होंने काफी अच्छे से कोविड का वहां पे मैनेजमेंट किया है, तो इस केस स्टडी को आप वहां पे लिख सकते हो, काफी शानदार नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपको पहले से कवर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अगर आप किसी सोर्स से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन भी होगा, कंक्लूजन भी होगा, उसको आप मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, उसको याद कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आता है RTI पे तो आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से ही तैयार होगा, ठीक है। अब दोस्तों, पॉलिटी में जब हम आंसर लिखते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि हेडिंग एंड जो बुलेट पॉइंट फॉर्मेट है उसका आप यूज़ करें, इसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब नेक्स्ट वन इज इन डेप्थ एनालिसिस। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, तो उसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, उसकी सारी डायमेंशंस आपको कवर करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं, इस बार काफ़ी न्यूज़ में है और सवाल पूछा जा सकता है, तो देखिए आपको क्या क्या डायमेंशन कवर करनी चाहिए। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, जैसे कि 324 से लेकर 329, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या इश्यूज़ हैं,
इनसे जुड़ा कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है क्या, किसी कमिटी की रिकमेंडेशन है क्या? फॉर एग्जाम्पल दिनेश गोस्वामी कमिटी या फिर इंद्रजीत गुप्ता कमिटी, उसकी क्या रिकमेंडेशन है? सरकार या कमीशन क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई करंट अफेयर की न्यूज है क्या, जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट ने कमेंट किया था कि भाई आप पे मर्डर का चार्ज क्यों नहीं लगाया जाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। एंड सबसे लास्ट में आपको सॉल्यूशंस देने होंगे, आपके पास सॉल्यूशंस पहले से ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोच रहे हो, तब तो दोस्तों आपका समय काफ़ी लग जाएगा और चांसेस हैं कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। तो इस तरह से आपको चीज़ों को तैयार करना है। अब सबसे आखिर में आता है प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, आपको डेली आंसर लिखने हैं, डेली के आप एक या दो आंसर्स लिखिए, किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी मॉक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए और टाइम बाउंड मैनर में उसको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। एंड आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उसका आपको मल्टीपल रिविजन करना होगा। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसे लाइक करना न भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।